ऐसे तो मैंने इस कॉलेज के ऊपर पहले भी एक रिव्यू वीडियो बनाया हुआ था, बट उसमें बहुत चीज क्लियर नहीं हो पाया था। बेसिकली इस वीडियो में हम विथ प्रूफ के साथ हम कॉलेज का रिव्यू करने आ चुके हैं, और आपको इसमें प्रूफ भी आपको हमारे चैनल पर आपको दिखेगा, साइड में आपको प्रूफ भी दिखेगा कॉलेज का रिव्यू के बारे में, क्योंकि ये रिव्यू उन बच्चों से लिया गया है जो बच्चे ऑलरेडी वहां पढ़ रहे हैं और जिनका फीडबैक मेरे सामने आया है। तो स्वागत करते हैं आपको हमारे YouTube चैनल पर, माइसेल्फ चंदन शर्मा। मैं पिछले 4 सालों से YouTube पर वीडियो बना के बच्चों के बीच में रिव्यू पेश कर रहा हूं। तो इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं रुंगटा कॉलेज छत्तीसगढ़ कैंपस का। रुंगटा ग्रुप बहुत ही बड़ा ग्रुप है छत्तीसगढ़ करके अंदर में, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। रुंगटा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं। सारे कोर्स का रिव्यू ना करके हम किसी एक चीज को टारगेट करते हैं, बीटेक कोर्स को हम रिव्यू कर लेते हैं। तो रुंगटा कॉलेज का लोकेशन भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। जैसे कि मैंने बताया कि प्राइवेट कॉलेज है, इस ग्रुप को हो चुका है लगभग 25 इयर्स ओल्ड। शुरुआत 1999 में इस कैंपस का हुआ है, 25 साल कैंपस का हो गया है। मेनली हम इसमें रिव्यू करने वाले हैं यहाँ का सबसे बड़ा चीज प्लेसमेंट, क्योंकि आपका मेन कमेंट्स मेरे पास कॉलेज को लेकर था, भैया प्लेसमेंट बता दीजिए, किसी कॉलेज का डाउट पूछते हो तो प्लेसमेंट को लेकर करते हो। तो सबसे थोड़ा सा बेसिक जानते हैं यहाँ पर। जैसे कि एक्रीडिटेशन की बात कर ले तो नेट आने के बाद बिहार के बच्चों का थोड़ा सा जो मूवमेंट है छत्तीसगढ़ की तरफ आ चुका है, कुछ जो एजेंट मार्केट में काम करते हैं उनके थ्रू, क्योंकि छत्तीसगढ़ मेरे हिसाब से आज के टाइम का सबसे डूबता हुआ स्टेट में नजर आता है पढ़ाई के मामले में। क्योंकि वहां पर एक समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ऐसा लोकेशन था जहां पर एजुकेशन की डिमांड दिन ब दिन बढ़ता था, लेकिन कुछ सालों से ऐसे लोकेशन के कॉलेज का मार्केट डाउन हो चुका है। उसी बीच में छत्तीसगढ़ में ओनली वन कॉलेज है रुंगटा कॉलेज, आपको मार्केट में हर जगह शो होता दिख रहा होगा। उसका रीजन है कि इसका फीस बहुत ही कम है, और उसके अलावा आपका जो बिहार के बच्चे हैं बिहार क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आ जाते हैं, और झारखंड के जो बच्चे होते हैं उनका बजट ही होता है किसी भी जो 3 कैटेगरी के जो बच्चे हैं, दूसरे कैटेगरी के बच्चे का जो टारगेट होता है कि मुझे 6 से 7 लाख रुपए के बजट में मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज विथ हॉस्टल मिल जाए, क्योंकि यही बजट होता है झारखंड के बच्चों का। तो इससे थोड़ा सा हम कॉलेज का रिव्यू करते हैं। तो रुंगटा कॉलेज एडमिशन लेने के लिए कोई ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बना हुआ है कि आप अगर 90% हो 12th में तभी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। अगर आप 50% भी अगर मार्क्स अगर 12th में रखे हो तो डायरेक्ट एडमिशन आपका यहाँ पर अवेलेबल है। अगर बात कर ले यहाँ का कैंपस का, तो कैंपस आपका ठीक ठाक बहुत ही बड़ा कैंपस है, नो डाउट। इसमें कैंपस का जो लोकेशन साइज है बहुत बड़ा है, और यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलरशिप भी ऑफर होते हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो फीस का मैंने बताया कि फीस बहुत ही कम है, और रीजन है कि आपको पता है, मैंने बताया कि पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हाल बहुत ही आज के टाइम में खराब है, जब से रुंगटा को नैक का एक्रीडिटेशन मिला है थोड़ा सा डिमांड बढ़ गया है। अब मेन आता है भैया जो बात है प्लेसमेंट का, तो भाई जो प्लेसमेंट का ऐसा सीन है कि यहाँ पर प्लेसमेंट के नाम पर वैसा कुछ नहीं है जो प्लेसमेंट आप सोचते हो रुंगटा कॉलेज के ऊपर में। जो बच्चों का फीडबैक यहाँ पर निकल के आता है, बच्चे जो बोलते हैं आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो मैं बच्चों से चैट किया हूँ, तो बच्चों का कहना है कि सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए मैं रुंगटा कॉलेज में एडमिशन लिया था लास्ट ईयर के बच्चे का मेरे पास कमेंट आया। और आगे कहना ये है कि अगर आप लोकल से हो छत्तीसगढ़ से और आपको सिर्फ डिग्री ही डिग्री चाहिए तो फिर आप इस कॉलेज को चूज कर सकते हो, उस लाइफ वर्थ इट नहीं है ये कॉलेज। अब क्या सच्चाई है वो पूरा वीडियो में खुल के नहीं बोल सकता हूँ, किसी को और जेन्युइन चीज जाना हो इस कॉलेज के बारे में वो मेरे को कमेंट्स करके, चाहे मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके आप अपना जेन्युइन रिव्यू और भी इकट्ठा कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से रुंगटा कॉलेज को हटाकर मैं रुंगटा स्टील को ज्यादा फेमस मानूंगा, वहां का रुंगटा स्टील जो मार्केट में फेमस है, बाकी वैसा मुझे कोई खास इसका फीडबैक नहीं मिला है। और कुछ ओपिनियन बच्चों का भी कहना है कि भैया हम गलती से ऑफिशियल वेबसाइट पर इंक्वायरी कर लेते हैं तो जो लोकल के जो मतलब जो कॉलेज के ही ऐसे इम्प्लॉई है जो 10-15 हजार में नौकरी कर रहे हैं, जो गली गली मोहल्ला मोहल्ला जब घूमकर रुंगटा कॉलेज का इम्प्लॉई जो वहां पर 15 हजार नौकरी करो घर तक पहुंच के काउंसलिंग करता चाय पीकर बच्चों को डाइवर्ट करके एडमिशन कराता, तो मैं कमेंट्स मुझे भी पता है कौन ये काम करते हैं,
मैं उसमें कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। बाकी आप समझदार हो, सुधर जाओ, जो भी आप लोग कर रहे हो बच्चों के साथ गलत सभी तो मत करो। बाकी बच्चे आप समझदार हो, बिल्कुल देखो किसी कॉलेज को सिलेक्ट करने से पहले। बाकी चैनल पर नए हो चैनल में सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, ताकि मैं और भी कॉलेज का जेन्युइन रिव्यू आप तक पहुंचा सकूं। उम्मीद करूंगा वीडियो में आपका डाउट ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज छत्तीसगढ़ के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।